emphasis on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class business spend. Big Tech. करना भी शुरू करते हैं तो उसको एक मिनट साइलेंस से करते हैं क्योंकि ज्यादातर हम कुछ भी कार्य करने के लिए बाकी सब चीजों की तैयारी करते हैं लेकिन जिस मन ने उस काम को करना है उस मन की तैयारी नहीं करते तो हम एक काम से दूसरे काम दूसरे काम से तीसरे में शिफ्ट होते जाते हैं लेकिन वो सब करने के लिए बीच बीच में हमें एक मिनट साइलेंस लेना चाहिए तभी भी हम एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपने आप के मन से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें अपने जीवन को अपने लोगों के लिए कल क्या लिखना है वो नहीं अपने जीवन के लिए जीवन की क्वालिटी को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोई एक आदत चेंज करनी हो अपने अंदर तो वो आदत कौन सी होगी अपने लिए पूछते हैं जस्ट एक वन मिनट साइलेंस अपने आप के लिए कि चारों तरफ कुछ भी चल रहा हो लेकिन हमारे अंदर वो पावर है कि चारों तरफ की आवाज केओस बातों से अपने मन को डिटैच करके एक मिनट सिर्फ अपने आप से बात करते हैं कि मुझे अपने अंदर कोई एक आदत अगर चेंज करनी हो जिससे मुझे और औरों को सुख मिलेगा तो वो एक आदत कौन सी होगी बाहर की दुनिया पे होता है कि ये जो अपनी अंदर की दुनिया है उसकी तरफ देखने का कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता लेकिन बाहर की जो दुनिया है वो किससे बनती है बाहर की दुनिया किससे बनती है किससे बनती है कि बाहर की दुनिया किससे बनती है क्या लगता है The outside world is a result of, it's a result of, suppose इस hall में अभी 50 लोग बैठे हैं तो इस hall की energy field क्या होगी 50 मन 50 minds उनकी जो energy होगी वो total इस hall की energy होगी अगर हमें इस हॉल की एनर्जी को चेंज करना है तो हमें किसको चेंज करना पड़ेगा किसको चेंज करना पड़ेगा 50 मन क्योंकि हम सब दुनिया को ये बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा ये बताना शुरू करें कि जो हो रहा है उसको अगर बदलना है तो क्या करना है सिर्फ हो रहा है तो डे बाय डे जो हो रहा है वो क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा मीडिया समाज को सिर्फ दुनिया का दर्पण नहीं दिखाता मीडिया समाज जो है वैसा बनाता है जो आपने कहा ओवर थिंकिंग ज्यादा सोचना ये हम में से मेजोरिटी की आज बीमारी है ज्यादा सोचना लेकिन ज्यादा सोचने का कारण क्या क्यों हम ज्यादा सोच रहे हैं कारण क्या क्या लगता है ज्यादा सोच रहे हैं कारण क्या वर्क प्रेशर तो पहले भी था ज्यादा क्यों सोच रहे हैं दुनिया ज्यादा रफ्तार की तरफ तोड़ती है इसलिए हम ज्यादा सोच रहे हैं ज्यादा सोचने का कारण क्या थॉट्स जो चलती हैं उसका सोर्स क्या है मेरे अंदर क्या सोच चल रही है उसका सोर्स क्या है किस आधार पर सोच चलती है स्रोत क्या है उसका हम सही सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं ज्यादा सोच रहे हैं कम सोच रहे हैं वो जो सोच है वो एक एनर्जी है उसका सोर्स क्या है स्रोत क्या है
क्योंकि अगर उस एनर्जी को चेंज करना है तो उसके सोर्स को चेंज करना पड़ेगा. तो ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है इसका सोर्स क्या है? क्या लगता है? पिछले 10-15 साल में जितना हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या वो बढ़ा है? क्या वो बढ़ा है? इन्फॉर्मेशन बढ़ी है जितनी हमें मिलती है? आप और मैं स्कूल में थे तो कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, कितना टेलीविजन चैनल, कितना न्यूज़पेपर, और इंटरनेट तो था ही नहीं. तो भाग्यशाली जेनरेशन है. भाग्यशाली इसलिए क्योंकि कम इन्फॉर्मेशन कम थॉट्स, ज्यादा इन्फॉर्मेशन ज्यादा थॉट्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थॉट्स. तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली थॉट्स का सोर्स है. वी आर व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन. तो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो जैसे मन का भोजन है. तो वो हम यहां भरेंगे, जो हम भरेंगे उससे सोच बनेगी. जैसी सोच होगी वैसा समाज होगा, जैसा समाज होगा वो कल आप पेपर में लिखेंगे, जो आप लिखेंगे वो सब लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही सोचेंगे कल फिर वो और होता जाएगा. तो जो मीडिया में आता जा रहा है वो समाज में बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा. तो एक्चुअली हमारे पास पावर है यहाँ समाज को बदलने के. करके क्या दिखा रहे हैं? जो हम लोगों को दे रहे हैं सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, वो उनकी सोच बन रही है. और जो उनकी सोच बन रही है वो कल समाज बन रहा है, परसों का अखबार बन रहा है. तो आप सब वो भोजन खिलाते हैं जिसको खाकर समाज की हेल्थ बन रही है. अब आपकी चॉइस है कि आप सुबह सुबह सबको क्या खिलाना चाहते हैं. आप खिला रहे हैं लेकिन, और जो आप औरों को खिला रहे हैं वो सबसे पहले किसको खाना पड़ता है? औरों को खिलाने के लिए सबसे पहले खुद को खाना है. तो खुद की भी ओवर थिंकिंग, बाकी जो खा रहे हैं उनकी भी ओवर थिंकिंग. तो सब लोग इकट्ठे चेंज नहीं हो सकते. किसी एक को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि हम चेंज होंगे. वही न्यूज, वही शेयर, वही देश, वही बातें, लेकिन लोगों को बताने का तरीका, उतने से तरीके में परिवर्तन करेंगे तो समाज बदल जाएगा. तो दैट वी हैव टू डिसाइड कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सही सोचने का तरीका, एक प्रॉब्लम के अंदर भी सही सोचने का तरीका. और कोई नहीं सोचना चाहे तो परफेक्ट चीज के अंदर भी गलत सोच सकता है. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो क्या हम रोज कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं जिससे समाज बदल जाएगा? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या रोज हम सिर्फ सबको यही बताएंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं? इस साल WHO ने डिप्रेशन इस साल को घोषित किया था 2017-18 अप्रैल, और उन्होंने कहा 2020 तक डिप्रेशन लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ बनेगा. तो इसको चेंज कौन करेगा? हम सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स 2017 में बता रहे हैं, 2020 में हम फिर एक स्टैटिस्टिक्स ही बता रहे होंगे. लेकिन क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे वो डिप्रेशन कॉज ऑफ डेथ बनने के बजाय डिप्रेशन ही इरेडिकेट हो जाए हमारे देश से? वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस पर फोकस कौन करेगा? वो सबके साथ शेयर कौन करेगा? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अगर हम सिर्फ यही कवर करेंगे कि इसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया, ये भागा, इसने इतने लोगों को मारा क्योंकि उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू था, हम सिर्फ उस न्यूज को कवर करेंगे, उस न्यूज को ठीक करने का सलूशन नहीं कवर करते, तो दोनों पावर हमारे पास है. दोनों पावर है हमारे पास कि प्रॉब्लम भी बताएं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फिर ना हो उसके लिए सल्यूशन भी दें.
लेकिन वो हमें डिसाइड करना होगा क्या हम दूसरों से अलग होने के लिए रेडी हैं। हम कुछ ऐसा करें जिसको दूसरे कॉपी करें। क्यों हम वो कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं? ये चॉइस हमारी है। एक दिन बैठकर सारी जो वर्तमान प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन मिलेगा। सबके सोचने के तरीके को ठीक करना, कोई भी प्रॉब्लम निकाल लें, चाहे वो वायलेंस है, चाहे वो बहनों के साथ जो हो रहा है वो है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो बीमारियां हैं, सारी चीजें कम और ये कहां से अफेक्ट हो रहा है जो आप खिला रहे हैं सुबह सुबह।